हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ्स में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4C। उसमें है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपको पहले, सबसे पहले ये आपको दो डिजिट वाले दिए हैं, तो इसमें आपको दो तरह से आप कर सकते हैं। एक हमारे इंडियन मेथड से, और आपको देखो बुक में कर रहे हो ये दिखाई दिया है, ये मेथड भी आपकी सही है। ये मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये वाला सम, ये दो डिजिट वाला है। आप फोर्थ में वैसे सीख के गए हो, तो सबसे पहले क्या करना है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाना है। अब 0 लगाने के बाद 6 2 जा कितना होता है, 12। 2 यहाँ पे 1 है, वो क्या हो जाएगी, उसकी कैरी हो जाएगी। 6 2 जा 12, ये किया। अब उसके बाद 6 9 जा 54 54 54, और ये 1 क्या है, 55। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और 5 3 के ऊपर क्या हो जाएगी, उसकी कैरी हो जाएगी। अब उसके बाद है 6 3 जा, अब यहाँ पे 2 से कर लिया, 9 से कर लिया, अब 3 की बारी है। 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होगा, 18 19 20 21 22 23। तो हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे किसके ऊपर ये कैरी जाएगी, 7 के ऊपर ये कैरी जाएगी। अब उसके बाद 6 7 जा 42 42 और 2 43 44 44 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और 4 के ऊपर ये क्या हो जाएगी, 1 के ऊपर ये 4 क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। अब सबसे पहले ये हमने ये 4 लिखा, अब 6 1 जा 6, 6 और 4 कितना होगा, 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 लिखा। अब उसके बाद ये वाला जो नंबर था, उसका जो टर्न था, वो ख़त्म हो गया। अब 8 वाला, तो 8 के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसमें 0 नहीं लगाएंगे। ये हम जो मेथड कर रहे हैं वो हमारे इंडियन मेथड है। तो सबसे पहले हम 8 से, अब 6 का टर्न हो गया वो ख़त्म, अब किसकी बारी आएगी, 8 की। तो 8 2 जा 16, तो ये इसके नीचे 0 के नीचे लिखेंगे 6 और 1 क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। अब उसके बाद है 8 9 जा 72, कितना होता है, 8 9 जा 72, और आपको ये वाली जो यहाँ पे लाइन में कैरी दी है वो आपको अब ध्यान में नहीं लेनी। कौन सी वाली, ये हमने लिखी वो 8 9 जा 72, और ये 1 कितना होगा, 73, तो हम लिखेंगे 2 के नीचे, और इसके ऊपर आ जाएगी कैरी 7। अब 8 और 3 8 3 जा 24 24, और कितना होगा यहाँ पे, इसके ऊपर कितनी कैरी है, 7 24 25 26 27 28 29 30 31, कितना होगा, 31। तो हम 5 के नीचे कितना लिखेंगे, 1, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगी, उसकी कैरी हो जाएगी। अब उसके बाद 8 का किसके साथ 3 तक हो गया, अब 8 7 जा 56 56, और ये कितना होगा, 3 56 57 58 59, यहाँ पे 3 के नीचे 9, और 5 क्या हो जाएगी, आपकी कैरी। हमने 7 तक किया, अब किसकी बारी है, अब 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8, कितना होगा, 8 1 जा 8 1, तो 1 का 8 1 जा 8, और ऊपर आपको देखना है कितनी कैरी है, यहाँ पे 5 है, तो 8 और 5 आपको देखना है, काउंट करना है, 8 और 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13, कितना होगा, 13, इसमें 8 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 1 3 13। आगे कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर कैरी नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, अब दोनों को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे आपको 6 और 0 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 का 6 रहेगा। अब उसके बाद 3 और 2 कितना होता है, 5 5 5 और 1 6, अब 9 और 3 9 10 11 12, तो यहाँ पे रहेगा 2, 1 क्या हो जाएगी, आपकी कैरी।
फोर और थ्री सेवन और वन ये क्या होगा एट। यहाँ पे वन और जीरो है तो क्या रहेगा वन का वन रहेगा, और यहाँ पे ये वन है तो वन का वन रहेगा। तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको दूसरे नीचे सम दिए हैं वो हम प्रैक्टिस में करेंगे। अब ये टू डिजिट वाला हुआ, अब हम आपको बाजू में दिया है थ्री डिजिट वाला सम। तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे थ्री डिजिट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद वन और टू कितने जीरो टू, तो हम यहाँ पे वन टू ये टू जीरो लगा दिया। अब यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थ्री से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थ्री और सिक्स है, सिक्स थ्री जा कितना होता है, सिक्स थ्री जा कितना होता है, सिक्स थ्री जा एटीन, तो 18 सिक्स थ्री जा होता है 18। तो हम लिखेंगे 8 यहाँ पे, और किसके ऊपर कैरी आएगी 4 के ऊपर, और 6 4 जा 12, 12 और ये 1 कितना होगा 13, और 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब 9 थ्री जा 27 और 1 28, और 2 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब 3 टू जा 6 7 और ये 8, तो यहाँ पे ये रहेगा 8। अब ये 3 का टर्न खत्म हो गया। अब उसके बाद ये 5 का आता है, इसके बाद डिजिट है, यहाँ पे लिखेंगे एक 5 के बाद एक और डिजिट है, यहाँ पे आपको लिखना है 0, और ये 5 6 जा 30। 3 किसके ऊपर कैरी आएगी, 5 6 यहाँ से स्टार्ट किया है इसके ऊपर। अब आपको ये वाली कैरी है वो ध्यान में लेनी नहीं है। अब यहाँ से 6 4 जा कितना होगा, सॉरी 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना होगा 23, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगी। अब उसके बाद 5 9 जा 45 कितना होगा 45, 46 47, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 3 के नीचे और यहाँ पे आएगा 4। अब 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा 1 4 14, तो यहाँ पे आएगा 14। अब 5 का टर्न हो गया, अब किसका टर्न आया 4 का टर्न, तो 4 है 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 4 के कुछ नहीं है तो 6 4 जा 24 यहाँ पे आएगा 4, और 2 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। के ऊपर कैरी हो जाए 6 टू जा 6 4 जा 24 लिखा हमने यहाँ पे 4, और ऊपर क्या लिख दी उसके ऊपर कैरी। अब हमारा नेक्स्ट है 4 का, 4 4 जा 16, 16 और 2 17 और ये 18, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 और 1 क्या हो जाएगी कैरी हो जाएगी आपकी यहाँ पे इसके ऊपर। अब 4 और 9 हमने कहाँ तक लिखा, ये 4 4 जा 16 और 2 17 और 18। अब आएगा 9 4 जा 36 और 36 और ये 1 होगा 37, 37 7 लिखा यहाँ पे हमने, और 3 किसके ऊपर यहाँ पे कैरी आ जाएगी इसके ऊपर। अब इसके बाद क्या बचा, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होगा 8, 9 10 और कितना आएगा 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 11 ये लिखा। अब ये सबको आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है, 4 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 4 का 4 रहेगा, यहाँ पे कुछ 8 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 8 का 8 रहेगा। अब 8 और 7 कितना होगा, 7 और 3 10 और 1 10 और ये 8 है कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 इसके ऊपर कैरी, 7 और 3 10 11 12 यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऊपर 1 कैरी, 8 और 2 10 और 4 14, 1 क्या हो जाएगी कैरी 8, और ये 1 9 और ये 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो आप ये दो मेथड से कर सकते हैं, आप जो बुक में दी गई है वो मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो आज हमने कितने सम के, ये टू डिजिट और थ्री डिजिट वाले सम के है और हम करेंगे, बट आपको ये प्रैक्टिस में करने हैं सम नंबर, हमने टू और थ्री डिजिट किया, तो हम सबसे पहले आपको नंबर टू पे ए में दिया है ये वाला, तो हम एक प्रैक्टिस के लिए और करेंगे। सबसे पहले
आपको कितनी डिजिट दी है, यहाँ पे दो डिजिट दी है, तो क्या सिखाया था यहाँ पे वन है, इसके बाद यहाँ से ज़ीरो लिख दिया हमने, ज़ीरो। अब 8 5 40, तो यहाँ पे रहेगा ज़ीरो, और फिर क्या हो जाएगी उसके ऊपर कैरी। अब 8 8 64 64, और 4 कितना होगा 8, 68, 64 65 66 67 68, 68 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8, और ऊपर 6 के ऊपर कितनी कैरी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कैरी। अब है 8 6 48 48, और 6 कितना होगा 48 49 50 51 52 53 54, कितना होगा 54, यहाँ पे 4 यहाँ पे, और 5 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी हो जाएगी। अब 8 3 24 24 और 25, तो आपको ऐसे नहीं आता है, 24 25 26 27 28 29, तो यहाँ पे 9 और 2 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी हो जाएगी। अब 8 2 16 16 17 और ये 18, ये लिखा। अब उसके बाद 8 का जो टर्न था वो हमने ले लिया, अब किसका टर्न है 4 का, 4 5 20, यहाँ पे इसके पीछे कुछ है नंबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 का 0 और ऊपर क्या हो जाएगी 2 कैरी। 8 4 32 32 33 34, 2 कैरी है, तो हम 8 4 कितना होता है 8 4 32 होता है, तो हम उसके ऊपर जो कैरी है 2 क्या करना है हमें काउंट करना है, तो 32 और 2 कितना होगा 34, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ऊपर क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी आ जाएगी। अब 4 का किसके साथ आएगा 6, 6 4 24 24, ऊपर कितनी कैरी है 3, 25 26 27, तो हम किसके नीचे यहाँ पे इसके नीचे 7 लिखेंगे और 2 क्या हो जाएगी उसके ऊपर कैरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 8 3 4 3 12 12 13 14, 2 कैरी है तो क्या आएगा 14, 1 कैरी, ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर कितनी कैरी आएगी 1 आएगी। अब किसके बारी बाकी, अब 1 2, अब हो गया ये 4 3 4 3 12 13 14, 4 लिखा 1 कैरी। अब 4 2 8 और 1 9, ये दोनों को अब आपको क्या करना है प्लस करना है, 0 ये 4 7 और 8 कितना होता है 15, 5 यहाँ पे लिखा 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी आ जाएगी, 4 और 4 8 और 1 9 9 और 9 18 1 कैरी इसके ऊपर, 8 और 1 9, और ये 1 है तो 1 का क्या रहेगा 1 ही रहेगा यहाँ पे। ये हमने ये प्रैक्टिस वाला सम था 2A, वो आपको मैंने करवाया। अब बाकी के जो दो सम है आपके, इसके अंदर A और B, इसके अंदर आपको ए करवा दिया मैंने, बी और सी आपको किस में करना है, दोनों सम क्लास वर्क में करना है, किस में करना है प्रैक्टिस के लिए क्लास वर्क में करना है, और आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।